अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो, केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो आज हम आए हैं सैफी भाई की छत पे, जो कि चाचमोह कानपुर में है। और फ़िलहाल इस मंथ तो कानपुर की कबूतरबाजी ही चलनी है, तो आए हैं तो काफ़ी सारे शौक किए और वो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो छत तो देखा ही, इतना बड़ा सेटअप है, माशाल्लाह एक नंबर सेटअप बनाया, ज़ोरदार, काफ़ी बड़ा है। देखो सारे सेटअप का बाहर से व्यू, बाद में एक एक करके अंदर जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं हर जाल में, और कुछ कबूतर पकड़ के भी दिखाएंगे। निसौरे वसौरे भी काफ़ी सारे दिख रहे हैं, वो भी दिखा देंगे, निसौरे का भी शौक कराएंगे। देख सकते हो कितने जाल बने हुए हैं। तो सबसे पहले उधर वाले जाल में ही चलेंगे हम लोग, और वहाँ पे जितने कबूतर हैं सबका एक क्लोज व्यू भी दिखा देंगे। और सेटअप के अंदर भी जो इन्होंने बनाया है, जो ब्रीडिंग पेयर के पास बनाया है अलमारी, तो उसमें देखना काफ़ी ज़ोरदार है बनाया है सिस्टम। और निसौरा वसौरे भी काफ़ी भरे हुए हैं, देख सकते हो सारी वैरायटीज़ हैं। देख सकते हो ये अलमारी पे जो एक एक कटोरी लगाई है, ताकि बंद करने के बाद भी इन्हें जो तो दाना पानी, सॉरी दाना तो नहीं, पानी, जैसे खास तौर से गर्मी के मौसम में दाने वाने खिला लें, उसके बाद पानी के साथ ये कटोरी इसमें बंद हो जाए। ये सिस्टम मस्त है। Thank you.
11 दिन नजर आ रहे हैं। तो अब चलते हैं दूसरे वाले केज में, और इसमें उसमें इतने ज़्यादा कबूतर थे कि ज़्यादा पकड़ के दिखाया नहीं, क्योंकि कितना पकड़ के दिखाऊंगा 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही रेंडमली कुछ 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 सेलेक्ट करके वही आपको दिखा दिया जा रहा है, और वीडियो मतलब ये भी दो पार्ट में ही बनेगी। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा, और बाकी वीडियो आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तो अभी ये सेकंड केज का हम लोग थोड़ा क्लोज व्यू ले ले रहे हैं, सेकंड पार्ट में आप लोगों को पकड़ पकड़ के दिखाएंगे।